ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के द्वारा कप 2018 का सातवां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन वापी में किया गया, जहां ऑल ओवर इंडिया से मेमन जमात के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में पूरे हिंदुस्तान के मेमन जमात के 33 टीमों ने हिस्सा लिया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन, ऑफिसर आसिफ अब्बाजू, हाजी साकिर बाटलीवाला, अजीज कादर, इकबाल लांघा, मजीद लधानी, आरिफ मोदी और कई मान्यवर उपस्थित रहे। एक खेल की अवेयरनेस पूरी हिंदुस्तान में, एक खेल की अवेयरनेस पैदा हो, यूथ को एक स्पोर्ट्स की अवेयरनेस पैदा हो, ये मकसद हमारा है। उसके लिए हम ये टूर्नामेंट करते हैं और पूरे हिंदुस्तान की हमारी जो टीम है, इसमें सारे मेमन बच्चे एक टीम के अंदर होते हैं और ये पूरे हिंदुस्तान को हम दावतनामे भिजवाते हैं। 500 जमातें हमारी है लगभग, और उसमें से इस बार हमारी 33 टीम जो है ये हिस्सा ली थी। ये 6 दिन तक ये टूर्नामेंट यहाँ पर 3 स्टेडियम में चल रहा था और आज जो है उसका वापी में फाइनल था और लाला जी और मेमन टाइम्स की टीम जो है वो जीत हासिल की और सेकंड नंबर पे जो है वो यूसी सूरत की टीम आई। थैंक यू। तो एक तरह से एक समाज का गेट टुगेदर भी हो जाता है इसी बहाने टूर्नामेंट। समाज का गेट टुगेदर होता है एक बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स की। हमारे यहाँ जो भी टीम है ये पूरे इंडिया के तो में से हम लोग ने चुन चुन के बच्चों को लाए हुए हैं और यहाँ पे आके आधे घंटे पहले वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते और फिर जाते गेम खेलने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का कोऑर्डिनेशन और लोग एक दूसरे से समझ बूझ बहुत अच्छी है, मेल जोल अच्छा है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम लोग ये कामयाबी पाए। जमात की तरफ से मेमन जमात के वास्ते हम लोग काम करते हैं और इसके अंदर हमारे को खुशी होती है और इंशाल्लाह हम मेमन जमात के जो भी करना चाहते हैं और भी करेंगे। आप और आप सबका शुक्रिया जीत के उस पर माशाल्लाह प्रेसिडेंट का अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, गेम अच्छा था, टूर्नामेंट बहुत अच्छा था माशाल्लाह। 3 दिन हम वापी में रुके, वेरी गुड टूर्नामेंट, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। वेरी वेल जॉब ओवर हियर और आज जैसा कि आपने फाइनल बड़ी मैच में आपको देखा कि एक लो स्कोरिंग मैच रही, इसके अंदर शुरू में हम सब बड़े निराशजनक बैठे हुए थे, लेकिन हमारे जो प्लेयर है मुजाहिद जो आज मैन ऑफ द मैच रहे, इन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया और उसके बाद टीम को एक फाइटिंग स्पिरिट मिली और दिस इज अ टीम एफर्ट। ये हमारे कैप्टन और हमारे उप कैप्टन जो अर्शद डोंडा जो बिहाइंड द विकेट, ये दोनों की सूझबूझ और अच्छी तालमेल की वजह से एक छोटे टोटल को इस तरह डिफेंड किया गया जिस तरह के यूसीए की टीम के सामने 680 रनों का पहाड़ खड़ा हो गया। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले वॉलंटियर और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी लोगों ने आए अतिथियों ने उनका सम्मान किया और ट्रॉफी भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर आए मान्यवरों का भी सम्मान किया गया। सभी ने टूर्नामेंट का भरपूर मजा लिया। 6 दिनों के चले इस टूर्नामेंट में 33 टीमों में लालची लायंस और मेमन टाइम्स की टीम ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया। वहीं सूरत से आई टीम दूसरे स्थान पर रही। विनर टीम को इकबाल मेमन के हाथों से ट्रॉफी और 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। रनर अप टीम यूसीए सूरत को आसिफ अब्बाजुन के हाथों से 25,000 रुपए और ट्रॉफी भी दी गई। वही बेस्ट डिसिप्लिन के लिए करीमपुर मेमन जमात राजकोट टीम को दिया गया। हैट्रिक विकेट वालों को 2100 रुपए और प्लेयर और टूर्नामेंट्स के लिए उनका हौसला अफजाई किया गया। तो ये थी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 2018 की सातवीं क्रिकेट टूर्नामेंट।